हेलो क्लास 9, तो आज आपके लिए लेके आए हम हिरन्स फॉर्मूला। वेलकम टू माय चैनल की टू लर्न। तो आज हम हिरन्स फॉर्मूला जो है उसके रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम इसमें से करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 11.1 या 12.1 भी है किसी किसी जगह पे। वहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हिरन्स फार्मूला। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। आपके पास ट्रैफिक का सिग्नल बोर्ड है एक, ठीक है? सपोज करिए ऐसा बोर्ड बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, के आगे स्कूल है। अब ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है ये? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब आपका है कि आपके पास जो सारी साइड्स हैं वो बराबर बराबर हैं। देखिए तीन तीन की तीन साइडें इसमें क्या हैं? एक इक्वल हैं। इनकी तीनों साइडें आपके पास क्या है? इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका पैरीमीटर जो है वो कितना है? पैरीमीटर आपके पास है 180 सेंटीमीटर। अब आपने इसका एरिया निकालना है। वैसे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया अलग से निकालने के लिए वो अलग से फॉर्मूला भी है, लेकिन हमने जो है वो निकालना है हिरन्स फार्मूला के तहत। तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बोर्ड जो है आपके पास, द बोर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी उसकी तीन को तीन आपकी बस साइडें जो है वो बराबर होती हैं। सपोज करिए हमारे पास साइड एक है ए, दूसरी भी साइड ए, तीसरी भी साइड ए, तो टोटल तीन साइडों को अगर हम जमा करेंगे, प्लस करेंगे, तो आपके पास निकलेगा 3a, 3a। आगे बढ़ते हैं। 3a इज इक्वल टू 180, क्योंकि दिया हुआ पैरीमीटर आपके पास कितना है? 180 सेंटीमीटर। तो हमें एक साइड मालूम करनी है कि उसमें साइड एक साइड कितनी होगी। तो सिंपल है, ए निकालिए आप, ए आपके पास होगा 180 अपॉन 3, यानी 3 से आपने 180 को डिवाइड करना है। तो हर एक साइड आपके पास जो है वो कितनी निकलेगी? 60 सेंटीमीटर। यानी हर एक साइड इसमें जो है, जितनी भी साइड्स हैं आपके पास, वो सारी साइड्स जो हैं वो कितनी हैं? 60 सेंटीमीटर हैं। तीन की तीन साइड्स, तीन की तीन साइड्स कितनी है? 60 सेंटीमीटर्स हैं, 60 सेंटीमीटर्स। हर एक साइड जो आपके पास है वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर। यानी ये वाली भी आपके पास साइड जो है ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास साइड जो है वो, ये भी आपके पास जो है वो 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास 60 सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है? और ये जो आपके पास है ये भी कितनी है? 60 सेंटीमीटर्स है। यानी हर एक साइड आपके पास 60 60 सेंटीमीटर है। अब आपने क्या करना है? अब आगे बढ़ते जाना है। अब आपने इसका सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर आपके पास होगा तो साइड, सारी साइड्स को जमा करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2s इज इक्वल टू 180, दैट इज s इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो आपके पास s निकलेगा 90 सेंटीमीटर, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? हिरन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। हिरन्स फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए ये आपके पास हिरन्स फार्मूला है, क्या है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। नहीं, एस यानी सेमी पैरामीटर इंटू सेमी पैरामीटर माइनस वन साइड, सेमी पैरामीटर माइनस सेकेंड साइड, एंड सेमी पैरामीटर माइनस थर्ड साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास सेमी पैरीमीटर जो है वो है 90। सेमी पैरीमीटर कितना है? वो 90 है। और 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, कितनी मज़ेदार बात है। हर जगह हर साइड जो है वो 60 60 के, इस सब का हमने क्या किया है? रूट लिया है। क्या लिया है? रूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जब इसको ये 90 एक है आपके पास और 90 में से 60 माइनस करेंगे तो आपके पास 30 आएगा। हर जगह 30 30 ही आएगा। अब आप क्या करेंगे? हम आगे बढ़ेंगे तो इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक
ठीक है, इसके हमने फैक्टर्स बना लिए। जैसे 90 का फैक्टर कर लिया हमने 3, 3, 2 एंड 5, 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 5s are 90। सिंपल इसी तरह से अगले भी हमने फैक्टर्स जो हैं वो बना लिए हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को इकट्ठा कर लेते हैं एक साथ, एक साथ हमने इन्हें इकट्ठा कर लिया। यानी जैसे आपके पास 333 कितने, आपके पास 333 हैं, तो हमने क्या किया 333 को एक साथ ये कर लिया। देखिए ये 333 आपके पास है, तो हम क्या करते हैं, ये वाले 333 कितने 3 है आपके पास, 53 है। ठीक है, फिर आपके पास 2 कितने हैं, ये आपके पास रहे 2, 4 2s हैं, ये आपके पास हैं 5, 5 आपके पास कितने हैं, ये भी 4 हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब इनकी जोड़ियां बनाएंगे यानी स्क्वायर्स निकालने के लिए। देखिए आपके पास 3 आपके पास ये 2 3 आपके ये निकल लिए, हमने उनसे 2 ले लिए और ये रूट 3, क्योंकि 1 3 आपके पास बाकी रह जाता है, 1 3 जो है वो बाकी रह जाता है। 2 आपके पास 4 थे, 4 में से हमने 2 लिए स्क्वायर्स करके, और ये हमने आपके पास क्या लिए 5 लिए, 2 लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास क्या होगा, दैट इज 5 5, ठीक है ना, 5 और 5 मल्टीप्लाई करिएगा कितना आएगा, 5 5 मल्टीप्लाई 5 25 25 मल्टीप्लाई 2 50 50 मल्टीप्लाई 2 100 100 मल्टीप्लाई 3 300 300 मल्टीप्लाई 3 900 √3 आपके पास जो है वो आंसर आएगा। ठीक है, आज का तो क्वेश्चन इतना ही है, अगले क्वेश्चंस को भी आप खुद भी देखिएगा, मैं भी आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक धन्यवाद।